आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वीवो फ़ोन में डिसेबल ऐप को इनेबल कैसे करें। अगर आपके वीवो फ़ोन में कोई ऐप डिसेबल हो गया है तो अपने फ़ोन में उसे वापस इनेबल कैसे करें, वापस कैसे लाएं। तो जैसे कि हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर डिसेबल हो गया है, तो यहाँ पे प्ले स्टोर नहीं आ रहा है, तो अब प्ले स्टोर को वापस इनेबल करना है। तो वापस इनेबल के लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो अब नीचे आइए, नीचे आकर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऐप्स पे क्लिक करेंगे नीचे अब ये सी ऑल ऐप्स आएगा, तो आप ये सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे फ़ोन के सारे ऐप आएंगे तो ऊपर ये ऑल ऐप्स आएगा, ऑल ऐप्स पे क्लिक करिए। ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे अब ये ऑल ऐप्स आएगा, इंस्टॉल्ड ऐप्स आएगा, नीचे ये डिसेबल्ड ऐप्स आएगा, डिसेबल्ड ऐप्स पे क्लिक करिए। डिसेबल्ड ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन के सारे ऐप आएंगे जो आपने डिसेबल किए हैं। तो ये जैसे कि प्ले स्टोर हमारे फ़ोन में डिसेबल है, तो ये हमने प्ले स्टोर पे क्लिक किया, तो जो ऐप आपके फ़ोन में डिसेबल है उस पे क्लिक करेंगे तो अब ये इनेबल बटन आएगा, इनेबल पे क्लिक करिए। तो अब इनेबल पे क्लिक करेंगे, अब बैक आइए, अब चेक करिए आपके फ़ोन में ये डिसेबल ऐप वापस इनेबल हो गया है। तो ये प्ले स्टोर हमारे फ़ोन में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने वीवो फ़ोन में डिसेबल ऐप को इनेबल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।